भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग वाईफाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस रेगुलर सेशन में। रेगुलर सेशन जो होता है सबसे बेस्ट सेशन होता है बिकॉज क्योंकि उसमें हम डेली बेसिस पे हम सीख सकते हैं। तो ये क्लास तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक बार अब कमेंट बॉक्स पे लिखिए आपको मैं ऑडिबल हूँ, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है। फिर हम स्टार्ट करते हैं 7 PM के सेशन को। हमारे दो रेगुलर सेशन होते हैं ना, तो 7 PM 10 PM अभी करते हैं स्टार्ट, है ना। शेयर करो एक बारी, बस इतना याद रखना है यार आज के लिए ना, आज के लिए रात को जरूर जुड़िएगा बेटा, रात को 12 बजे, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंटेंट आप सभी के लिए, ठीक है। मैं लेके आ रहा हूँ पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, मतलब अभी तक मैंने कंटेंट नहीं पढ़ा है पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी का, और मैं आपको सिर्फ आज ही पढ़ाऊंगा रात को 12 से 2 बजे तक, ठीक है। तो हर एक बच्चा जुड़ जाना, ठीक है। रात को 12 से 2 हमारा ये सेशन इसी चैनल वाईफाई स्टडी पे होने वाला है, ठीक है। क्विज और कंसेप्ट दोनों, कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस रखूंगा, आपका बेनिफिट बहुत हो, ठीक है। साथ के साथ रेगुलर क्लासेस सभी हैं। इंडियन पॉलिटी यूट्यूब पे सर्च करो बेटा, सारे के सारे देखो, बेनिफिट उठाओ रेगुलर चीजों का। जैसे अगर मैं बात करूं कि इंडियन पॉलिटी का थ्योरी कंटेंट है पूरा 6 घंटे फुल एक्सप्लेनेशन थ्योरी, पूरी थ्योरी आप एक बार सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो मैं लिंक लगा दूंगा इसका 10 बजे वाली क्लास का। और अनअकैडमी कॉम्पैक्ट में रैंक लेके आओ, बढ़िया स्कॉलरशिप लो, ठीक है। रेफर कोड यूज करो लाइव अमन, फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। कोर्स अब नए लाइव हो रहे हैं बेटा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ ना कोर्सेज, तो कोर्सेज बहुत सारे नए लाइव हो रहे हैं, ठीक है। चलो आपको क्या करना है, ये 15 मई का कोर्स भी लाइव हो रहा है, इवन 19 मई का भी एक कोर्स लाइव हो रहा है, उसमें भी आपको सभी ऑफर मिल रहे हैं, 4 मंथ एक्स्ट्रा, 2 मंथ एक्स्ट्रा, 2 साल और 1 साल पर। बस इसी रेफर कोड को यूज करके डिस्काउंट भी ले लीजिए और सारे ऑफर जो अवेलेबल हो रहे हैं वो भी कर लीजिए। एसएससी गोल कैशमेंट क्लिक करिए, मंथ सिलेक्ट करिए, रेफर कोड यूज करिए, लाइव ओमन, ये तरीका है। चलिए यार जल्दी शेयर करो यार सारे क्लासेस जो होती है, चलो एक तरफ, और एक रेगुलर सेशन जो हमारा 7 बजे होता है वो एक तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या है। पहले क्वेश्चन का आंसर शेयर करना सारे के सारे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, ठीक है, इंसेंटिव, कि प्रोडक्शन जितना होगा उतना इंसेंटिव मिलेगा। सवाल अब ये पूछा जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने, हमारी केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों के लिए इसको, ठीक है, शुरू किया है, बताइए कितने क्षेत्रों के लिए। और ये लेटेस्ट है बेटा, फरवरी में ये चीज अपडेट हुई है, इसलिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हर चीज हो रही है, 7 बजे रेगुलर होता है क्लास, तो हमें सब कुछ पढ़ने को मिलता है, करंट अफेयर हो गया, साइंस जी के सब कुछ। आंसर क्या इस क्वेश्चन का बेटा, याद रखिएगा 13 सेक्टर है। ऐसे ना हमसे एक बारी एक सवाल पूछा जाए कि भाई हमारे भारत में कितने कोर सेक्टर है, ठीक है, कोर सेक्टर कितने, सवाल आपके सामने है, कोर सेक्टर कितने हैं, आप आंसर बताओ, हमारे भारत में कितने कोर सेक्टर है बताइए, आंसर क्या होना चाहिए, कितने कोर सेक्टर है अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा बताइए, कितने कोर सेक्टर है अगर आपसे पूछा है तो हमारे कितने भारत में कोर सेक्टर, जल्दी से होते, ठीक है। चलिए आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, याद रखना ये क्वेश्चन अगर ना पता हो तो आंसर है 8, ठीक है, ये क्वेश्चन मत भूलना। ये तो चलो ठीक है 13 है इसका आंसर, लेकिन आपसे कोर सेक्टर पूछा जाए तो 8 आंसर होगा और 100%, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए विच मैपिंग कंपनी हैज इंटीग्रेटेड इनटू गवर्नमेंट कोविन पोर्टल, ठीक है, पता है कौन सा इसमें से मैपिंग कंट्री है जिसके, जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोविन पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन किया है, कमेंट करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल बनाया कोविन पोर्टल, और इस कोविन पोर्टल के साथ कौन सी मैपिंग कंपनी जो है इंटीग्रेट की है, कमेंट करिए कौन सी मैपिंग कंट्री इंटीग्रेट की है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो जी आंसर क्या इस क्वेश्चन, मैप माई इंडिया, ठीक है, मैप माई इंडिया इसका आंसर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी जो आप इसका गूगल मैप ये सब चीजें देख रहे हो ना, आपसे ना गूगल मैप पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, गूगल मैप पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि गुड़गांव ने, ठीक है बेटा याद रखिएगा, गुड़गांव जो है आपने सुना हो गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव पुलिस ने, गुड़गांव पुलिस ने अपने ट्रैफिक सिग्नल्स को अपडेट करने के लिए गूगल मैप के साथ इनिशिएटिव किया, ठीक है,
ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसका मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, इसका क्वेश्चन अभी करा देता हूँ गूगल मैप का, ठीक है, गुड़गांव पुलिस वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अभी आ जाएगा, बस पहले आप अपडेट देखो, इस क्लास में सारा अपडेट कर लेंगे। पोषण पखवाड़ा इस साल को जो हुआ वो कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज की, हर साल यही मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है, बताइए कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है, अच्छे क्वेश्चन में से एक बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, शेयर करो यार सारे के सारे, आज मानते हैं बहुत सारी क्लासेस हो रही है लेकिन सबसे फाइनल क्लास जो होगी रात की होगी, ठीक है, उस क्लास को जरूर देखिए, बताइए आंसर क्या, पोषण पखवाड़ा, ठीक है, चलो आंसर क्या बेटा, पोषण पखवाड़ा जब बोले तो देखो सिंपल समझेंगे, इस चीज को पकड़ में भी रखेंगे कि जब पोषण की बात हो रही है, न्यूट्रिशन की, 100% बिना सोचे समझे आंसर लगाओ वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्योंकि न्यूट्रिशन का मुद्दा वुमेन और चिल्ड्रन से संबंधित है हमारे भारत में, तो आंसर तो 100% क्या है, वुमेन एंड चिल्ड्रन आएगा, जब भी पोषण की बात आएगी आंसर यही होना है गारंटेड, ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा सकता, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक डायनासोर टाइप कह सकते हैं हम, फॉसिल ऑफ टिटैनोसोर, ठीक है, फॉसिल ऑफ टिटैनोसोर हैज बीन रिसेंटली अनअर्थन फ्रॉम विच कंट्री, मतलब कौन से देश में टिटैनोसोर के जो फॉसिल हैं, ठीक है, अवशेष जिसे हम कह सकते हैं, अवशेष में भी बस फॉसिल्स की बात होगी, कौन से देश में पाए गए, कमेंट करिए, करंट अफेयर है रिसेंट, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, करंट अफेयर है रिसेंट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, रिसेंट करंट अफेयर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, अगर मैं बात करूं फॉसिल्स की तो आंसर क्या है बेटा, अर्जेंटीना इसका आंसर, ठीक, अर्जेंटीना इसका आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ जा सकता है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू फोकस एंड पोल, बड़ा आसान है, ठीक है, कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो पास करती है थ्रू द फोकस एंड पोल्स फॉल ऑन द सर्कुलर मिरर, जल्दी से बताइए, इसे हम क्या कहते हैं, इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, इसे मेन एक्सिस कहते हैं, ठीक है, मेन एक्सिस कहते हैं, ये है बेटा दिमाग में रखना, ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ये एक्सिस होता है, इसके अराउंड एंगल बनता है, ठीक है, ये एक्सिस होता है, इसके अराउंड एंगल बनता है, इसे हम कहते हैं मेन एक्सिस, मुख्य जो एक्सिस होता है उसके अराउंड चीजें बनती है, 23 डिग्री हाफ वाला जो बनता ना एंगल, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ जी बताइए, देखो टीवी जो है, टीवी पार्टनरशिप जो बोर्ड बनाया गया है उसके चेयरमैन का नाम पूछा गया, जल्दी से बताइए, टीवी पार्टनरशिप बोर्ड जो है उसके चेयरमैन का नाम पूछा गया, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, अब देखो टीवी हारेगा देश जीतेगा, ये पार्ट, ये जो टारगेट रखा है, ये रखा है 20-25 तक, क्या टीवी हारेगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, देश जीतेगा, देश जीतेगा, ये, ठीक है, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से जो है ना इसके चेयरमैन बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आंसर क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इसके क्या बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन 7 PM रेगुलर होता है बेटा, मे बी आज और आप क्लासेस में लग रहे हो बहुत सारे, लेकिन जो रेगुलर क्लास है वो 7 PM ही रहेगी हमारी, हमें फिक्स रखना, और एक पेपर ही रहेगा, जो पेपर 8:30 बजे मैं SSC गुरु चैनल पे कराता हूँ, वो मैंने आज भी रखा है, अर्थ सरफेस री एमिट करता है हीट इन द फॉर्म, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे अपना अर्थ है, अब ये अर्थ के ऊपर जो हीट है वो किस तरीके से री एमिट होगी, बताइए किस तरीके से रीएमिट होगी, कमेंट करिएगा, कैसे ये रीएमिट होगी, मतलब जो अर्थ पे जो हीट इकट्ठी होगी ये रीएमिट कैसे होती है, कमेंट करिए, कमेंट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक, किस तरीके से रीएमिट होगी, चलो आंसर क्या बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन इसका आंसर है, इंफ्रारेड रेडिएशन इसका आंसर है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, मधुबनी पेंटिंग फेमस है, इसमें तो कोई मतलब मुश्किल है ही नहीं, मधुबनी पेंटिंग जो है किस राज्य की फेमस, ठीक है, दुनिया भर में मशहूर है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है इस राज्य के पास मधुबनी पेंटिंग का, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, कोई कहेगा सर सिर्फ खाने पे होता है, बेटा हर चीज पे होता है, GI, ठीक है, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बिहार, इस क्वेश्चन का आंसर है बिहार की मधुबनी पेंटिंग मशहूर, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, शेयर करो बेटा आंसर क्या है, हु इज द फाउंडर ऑफ फिजिकल सोसाइटी ऑफ इन इंडिया, खेल यहां पे खराब,
एंड स्टार्टेड होम रूल लर्निंग, और यहाँ पे हेल्प हो जाएगी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यहाँ पे, इस वर्ड को देखते ही क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। किसने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करी ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। हमारे देश में दो व्यक्ति रहे, एक तो रहे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तिलक, ठीक है, और दूसरी एनी बेसेंट। इन दोनों ने ही होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया, हम जानते हैं, दुनिया भर में मशहूर है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की इंडिया की फाउंडर जो है एनी बेसेंट ही है। हालांकि इंडिया के अलावा भी थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, ठीक है, लेकिन उसकी फाउंडर एनी बेसेंट नहीं रही। लेकिन इसका आंसर ए है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया बोला है और दूसरा होम रूल लीग मूवमेंट भी बोला, ठीक है, होम रूल लीग मूवमेंट भी बोला, बिल्कुल सही ना। और इनकी दो न्यूज़पेपर है जनरल जिसपे क्वेश्चन आता है, न्यूज़पेपर के ऊपर क्वेश्चन आता है। एक कौन सी दो न्यूज़पेपर है, जल्दी से बताइए कौन सी दो न्यूज़पेपर है। पहला है कॉमनवेल्थ, ठीक, कॉमनवेल्थ, ठीक है, और दूसरा यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया कह लो या न्यू इंडिया कह लो, ठीक है, यंग इंडिया कह लो या न्यू इंडिया कह लो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये इसका आंसर है। अगर न्यूज़पेपर अगर पूछता तो ये दो न्यूज़पेपर लगा देना, ठीक है, दिमाग करके ये दो न्यूज़पेपर लगा देना। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आसान है। ह्यूमन राइट कमीशन जो है किस तरीके की बॉडी है, किस तरीके का गठन है, बताइए ह्यूमन राइट कमीशन किस तरीके का गठन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए। बताइए कैसा गठन है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। देखो अब ये ना क्वेश्चन बड़ा घुमाने वाला, इसका आंसर देखो इधर लिखा हो कि भाई ये एक तो संवैधानिक है और दूसरा संवैधानिक के साथ साथ जो है ना स्टैट्यूटरी बॉडी भी, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी, ठीक है। तो बेटा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों के दोनों जो है इसमें दे रखा है, ठीक है, दिमाग रखिए। और ये ऑप्शन दे रखा है सी, दे रखा है ऑप्शन सी दे रखा है, ठीक है। अब बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। अच्छा चलो इसमें आंसर लग ही गया है, ठीक हो गया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दे रखा है ए और सी, ठीक है, कि ये चार में से ये ए और सी आंसर है, ठीक है। चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को, थोड़ा बर्बाद हो गया क्वेश्चन वैसे भी, इतना चाहे पेन चला चला, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करा दूंगा, अभी कुछ बर्बाद ही हो गया, इसको बाद में एक्सप्लेन करते, छोड़ते हैं, ठीक है। बताइए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन बनते हैं वो कितने वर्ष के लिए बनते हैं, उनका टर्म कितना होता है, कितने टेन्योर होता है, कमेंट करिए अच्छे क्वेश्चन में से एक, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बेटा सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करो, शेयर करो सेशन को, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, कितना टेन्योर होता है इनका। चलो बेसिक क्वेश्चन अगर मैं बात करूं ना कि भाई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, उसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का और 70 वर्ष होता है। देखो ये ना बहुत एक्सेप्शनल बात है, ये ना बहुत एक्सेप्शनल बात है, ठीक है, याद रखिए। नॉर्मली टेन्योर 65 से इंक्रीज नहीं होता, नॉर्मली टेन्योर, ये बहुत एक्सेप्शनल बात है कि नॉर्मली टेन्योर 65 से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन का टेन्योर 70 वर्ष हो सकता है और 5 ईयर हो सकता है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल है, ठीक है, दिमाग में रखिए। और भी एक दो एक्सेप्शनल है, ठीक है, सिविल जो कमीशन होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है उसका भी एक्सेप्शनल है, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जल्दी से बताइए। ऐसे स्पेसिफिक स्टैटिक जीके क्वेश्चन तो यार आने ही आने है ना, ऐसे स्पेसिफिक स्टैटिक जीके के, ठीक है, क्वेश्चन तो आने ही आने, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाता है, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बेटा आज हर एक बच्चा रात को कनेक्ट कर जाना 12 से 2, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 12 से 2 में सेशन कर लेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 10 PM की क्लास के बाद डायरेक्ट क्लास होगी 11 जुलाई, इसका आंसर है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसराइल की करेंसी, देखो इसराइल में वी ऑल नो कि इसराइल में हाल फिलहाल में करंट अफेयर में आ गए इसराइल, ठीक है, टर्की और पाकिस्तान मिलके इसराइल की क्या बोलते हैं आलोचना कर रहे हैं, इसराइल में भी बहुत सारी चीजें हो गई है, एकदम से इमरजेंसी लग गई है इसराइल में, तो इसराइल के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए तो मित्र देश है इसराइल, हमारे लिए तो इसराइल एक मित्र देश है, ठीक है, हम तो आलोचना नहीं करेंगे, ठीक है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कौन सी करेंसी है, शैकाल है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा।
इसकी जो एजेंसी है, इसकी इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है उसे हम क्या कहते हैं, मोसाद। क्या कहते हैं इसे? मोसाद। ठीक है, इस मोसाद से संबंधित एक ऑपरेशन है जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ऑपरेशन थंडरबोल्ट फेमस है, दुनिया में फेमस है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ठीक है, ऑपरेशन थंडरबोल्ट पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइएगा। पर ये नहीं करना यार, थोड़ा ना यूपी के बजट के ऊपर हमें अभी कोई डिस्कशन नहीं करना। हालांकि लेटेस्ट बजट लग रहा है, ठीक है, लेकिन करना नहीं है डिस्कस। वी डोंट नीड कि हम किसी स्टेट टारगेटेड क्वेश्चन को पढ़े अभी। ठीक है, इन विच हाउस द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, भारत में संविधान में संशोधन आसान नहीं है ना, लेकिन ये चीज तो तय है कि भाई भारत के संविधान में संशोधन अगर करना है तो हम किस सदन में जाके संशोधन की शुरुआत कर सकते। आप बताइए, ठीक है, हम सदन कौन सा चूज करते हैं जब हमें संशोधन की शुरुआत करनी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की शुरुआत करनी होती है? क्या हम लोकसभा से शुरू करते हैं, क्या हम राज्यसभा से शुरू करते हैं, क्या हम दोनों से ही शुरू कर सकते हैं? ठीक है, आंसर क्या? देखो, याद रखो, संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। आर्टिकल 368 के तहत होता है, और यह आर्टिकल 368 कहता है कि आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन से जो है इसकी शुरुआत की जा सकती है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा आर्टिकल 368। ठीक है, और कैसा संशोधन होगा ये हमने कहां से लिया है, ठीक है, दिमाग पर रखिए, किस तरीके का संशोधन होता है, साउथ अफ्रीका से लिया हमने। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी होती है, साउथ अफ्रीका से हमने कंसेप्ट लिया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिया। देखो, इस क्लास को मैं हमेशा कहता हूं प्रायोरिटी क्लास, क्योंकि मैं इसमें आपको कोशिश करता हूं कि हर क्वेश्चन के साथ मैं कुछ बताऊं जो आपको बहुत बेनिफिट करे। ठीक है, हमें इस क्लास के हर एक क्वेश्चन की वैल्यू रखनी है, रेगुलर क्लास जो होती है उनकी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे देखो, अभी हाल फिलहाल में जो वुमेन्स के लिए अलग अलग जो नंबर थे, हेल्पलाइन नंबर थे, उनको एक किया गया। ऐसे ही इंडियन रेलवे ने सभी हेल्पलाइन नंबर को कंबाइन करके एक इंटीग्रेटेड नंबर जो है लॉन्च किया है। ठीक है, अब वो नंबर क्या है, मे बी आपको पूछा जाए, कोई कहे कि सर ऐसे नंबर पूछे जाएंगे, क्यों नहीं पूछे आ सकते, रेलवे के पेपर में आ सकते हैं, एसएससी के पेपर में आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। लेकिन सारे नंबर मत याद करने लग जाना, कहीं लग जाओ सारे नंबर याद करेंगे कि एम्बुलेंस नंबर क्या है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है, सारे नंबर याद करो कहीं, ठीक है, चाइल्ड केयर नंबर का ये मत करना, बस ये करंट अफेयर में है इसलिए पढ़ा रहा हूं 139। ठीक है, सारे मत याद करना, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखो, एल्केन होता है स्ट्रेट चेन, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। एल्केन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। एल्केन इज व्हाट, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और जब ये सिंगल बॉन्ड है तो इसमें यार क्या बनेगा, किस तरीके का आइसोमेरिज्म होगा, बताइए किस तरीके का आइसोमेरिज्म होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, आंसर क्या बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आइसोमेरिज्म क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म होगा, चेन आइसोमेरिज्म। सिंगल चेन है तो चेन आइसोमेरिज्म बनना चाहिए, है ना, दिमाग में रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, ऑडिबल हूं मैं सभी को, एकदम प्रॉपर आवाज आ रही है, सभी को एकदम प्रॉपर आवाज आ रही है, सभी को कोई मतलब किसी तरीके का रिलक्टेंस, वॉइस में कोई रिलक्टेंस तो नहीं है, ठीक है, हाँ या ना बोलो। चलो दोस्तों, मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए, टेबल टेनिस इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कौन से देश का ये नेशनल स्पोर्ट है। देखो, टेबल टेनिस ना बहुत फुर्ती वाला गेम है, मैंने एक बार ही अपने SSB में खेला। ठीक है, मतलब ऐसा फुर्ती वाला खेल होता है, मतलब सबसे ज्यादा क्विकनेस चाहिए और बहुत, ठीक है, चाइना इसका आंसर है, समझ रहे हो। ठीक है, याद करने के लिए कह रहा हूं कि ऐसे चाइना, ठीक है, फुर्तीले होते हैं ऐसे चाइनीज। ठीक है, फैक्ट है ये, छोटे हाइट में जो होते हैं ना फुर्तीले होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गिव द, ठीक है, ग्वांजू प्राइज फॉर ह्यूमन राइट, बताइए कौन सा देश है जो ग्वांजू प्राइज देता है ह्यूमन राइट के लिए, जल्दी से बताइए, ह्यूमन राइट के लिए ग्वांजू प्राइज कौन देता है, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वैसे तो हर एक, जैसे ये जो अभी क्वेश्चन आया ना, इसका क्वेश्चन कि भाई ये है
तो उसके अलावा हर एक देश का हम एक एक करके स्पोर्ट्स इवेंट देख लेंगे। आंसर है ग्वांजू प्राइज कौन देता? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ग्वांजू प्राइज देता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो एक सैटेलाइट लॉन्च करी है इन्होंने, मिलिट्री सैटेलाइट, फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करी है, इसका नाम है एनएसएस, ठीक है, एनएसएस सेकंड। पहला क्वेश्चन ये इस पे आता है, एनएसएस सेकंड जो है किसके द्वारा लॉन्च करी गई? साउथ कोरिया के द्वारा। भूलना मत, साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। साउथ कोरिया ने ही सेम सेक्स मैरिज को बैन किया है, सेम सेक्स मैरिज को जो है बेटा इन्होंने ही बैन कर दिया है, ठीक है, याद रखिए बैन कर दिया इन्होंने सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, चाइना की सैटेलाइट्स दोनों जो है, इन सब पे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, एक एक करके करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा। इसका आंसर क्या है? साउथ कोरिया। बॉर्न डाउन सिंड्रोम डे किस दिन ऑब्जर्व किया था? बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, शेयर करो यार सेशन को आज ना, मतलब ऐसा है कि आप शेयर करो, रात को 10-12 बजे जरूर जुड़िए, ठीक है, वाईफाई स्टडी चैनल पर, ठीक है। आज हिम्मत करिए और बढ़िया तरीके से जुड़िए, फायदा बहुत होगा। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जो है किस दिन मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए सिंड्रोम क्या होते हैं, पहले तो यही समझ लो, रट्टा मत मारो, ठीक है। सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम होता है हमारे क्रोमोसोम में, जो हमारा क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम 46 होते हैं, उसमें किसी भी तरीके का अगर चेंज आता है तो डेट इज अ सिंड्रोम, डेट इज अ सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है जेनेटिक चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस, ठीक है, जेनेटिक चेंजेस होते हैं। और बेटा तीन चार जेनेटिक चेंजेस होते हैं सिंड्रोम, और उसमें से एक फेमस है 21st डाउन सिंड्रोम, इसे हम 21st को डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। इसलिए वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम 21 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 21st इज अ डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ऐसे पटाऊ सिंड्रोम भी होता है, ठीक है, देयर इज वन वर्ड कॉल्ड एज पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक एक करके क्वेश्चन हो पाएंगे भाई, सारे एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन 7 बजे मैं इस चीज की अश्योरिटी देता हूँ, 7 बजे आपका पूरा सब कुछ हो जाएगा, कवरेज है, ठीक है, लेकिन तसल्ली रखोगे तो इस क्लास में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। विच कोल इज पोटैटो रिलेटेड टू? मैं तभी सोचू बेटा कोल क्या है, स्किप मारो इस क्वेश्चन को, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। स्टेनलेस स्टील इज द मिश्रित धातु व्हाइल एयर इज व्हाट? मैं सोचा स्टेनलेस से संबंधित कुछ पूछेगा, बढ़िया, ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन ही खत्म कर दिया। स्टेनलेस स्टील इज मिश्रित धातु, तो बताइए हवा क्या है, ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट जैसे लग रहे हैं मुझे तो ये, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए। हाँ मैंने आपको बताया था, ऐसे ही याद आ रहा है भाई, याद तो आ रहा है तो फिर बता ही देते हैं। अभी मैंने बताना 21 जो है डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है, और ऐसे ही पटाऊ कौन सा होता है बेटा, याद रखिएगा, पटाऊ कौन सा होता है? 21 इज द डाउन सिंड्रोम, तो बताओ, याद रखिएगा, 13 को, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है बेटा, याद करा रहा हूं, ठीक है। पटाऊ इज द 13 सिंड्रोम, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, पटाऊ इज द 13 सिंड्रोम, ठीक है, याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें डाउन का 21 और पटाओ का 13 याद रखना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है, याद करने के लिए भाई जरूरी है, ठीक है। चलो स्टेनलेस मिक्सचर होगा, आसान क्वेश्चन, बताइए इसमें से कौन सा ना तो एलिमेंट है ना तो कंपाउंड है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, ठीक है, कमेंट करिएगा। इसमें से कौन सा ना तो एलिमेंट है, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ना तो कंपाउंड है, जल्दी से बताइए, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बड़ा आसान है। देखो मर्करी एलिमेंट है, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड भी दे रखा है, इट्स ऑल्सो, ठीक है, तो बसता बस विंड है, वाटर इज ऑल्सो कंपाउंड, ठीक है, वाटर इज ऑल्सो कंपाउंड, हवाई बस्ती है, ठीक है, वायु। बेटा कोई अब ये मत करना कि सर विंड इज एयर, ना विंड इज नॉट एयर, ठीक है, एयर का चलना को विंड कहते हैं, एयर के चलने को विंड कहते हैं, एयर इज नॉट विंड, एयर के चलने को विंड कहते हैं, ठीक है, हवा जो चलती है उसे विंड कहते हैं, ठीक है, एयर इज नॉट विंड, ठीक है, सिंपल सी बात, कुछ बच्चे बोलते हैं, विवाद करते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे डालेंगे, अभी देखना इस क्लास के कमेंट बॉक्स पे देखना, सर आपको इतना नहीं पता विंड और एयर दोनों सेम होते हैं, ठीक है, क्या पढ़ा रहे हो, ऐसे कमेंट बॉक्स पे आएगा बीसी क्लास के बाद, देख लो, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एयर इज नॉट विंड। एक और क्वेश्चन देखिए,
श्याम प्रसाद मुखर्जी होटल लोकेटेड है कौन से शहर में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी सब देना। श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है कौन से शहर में लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी सब देना। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, चलो बेटा बड़ा आसान है, श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अब कोई बोलेगा सर ये कोलकाता पोर्ट जो है ना, ठीक है, बस वही है, नाम चेंज कर रखे इन सब के, है ना। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बड़ा आसान क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पार्टिसिपेट करो यार, क्वेश्चन सोल्व करो, शेयर करो सारे के सारे। ठीक है, आज वी कैन लिसन द प्रोग्राम ऑफ डिफरेंट स्टेशन बाय रोटेटिंग द रेडियो। ठीक है, बताए, बिल्कुल सही बात है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम एक ही रेडियो के फ्रीक्वेंसी को बदल बदल के ही तो अलग अलग उस पे जाते हैं, चैनल पे जाते हैं। रेडियो में एक एक चैनल की फ्रीक्वेंसी को बदल बदल के तो जाते हैं, उसमें क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, याद रखिएगा, उसमें होता है रेजोनेंस। ठीक है, उसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से हम जो है ना एक ही बटन से फ्रीक्वेंसी को चेंज करके अलग अलग प्ले स्टेशन पे जाके अलग अलग जो है ठीक गाने सुन सकते हैं अपनी अपनी फरमाइश के। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटॉमिक गैस, बड़ा आसान क्वेश्चन, कौन सा एटॉमिक गैस है, कमेंट करिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एटॉमिक गैस है, ठीक बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए कौन सा एटॉमिक गैस है। ये भी आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, एटॉमिक गैस कौन सा, जल्दी से बताइए। देखो यार, इधर एक तीन गैसेस कुछ ऐसी सी दे रखी हैं जो हमने कहीं कहीं ना कहीं ग्रुप की लग रही हैं। चलो जी, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है हीलियम। ठीक है, चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, हीलियम। बेटा कोई भी बच्चा मिस मत करना दोस्त, देखो आपके लिए ना पूरी मेहनत कर रहा हूं, हालांकि बस ये है कि 12 बजे करा रहा हूं ये क्लास। ठीक है, क्योंकि मेरी लगातार क्लासेस हो रही है, मेरे को समय नहीं मिल रहा, और मुझे आज आज में एक कंटेंट पकड़ाना है आपको, कि मतलब पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो बिल्कुल नया और सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है, मैं अश्योरिटी देता हूं रात को 12 बजे आज हम इसे स्टार्ट तो करेंगे, 2 घंटे में खत्म कर देंगे क्लास को, और 2 घंटे में जो पढ़ाऊंगा उसमें से 10+ क्वेश्चन आपके पेपर में 100% है, लिख के दे दूंगा मैं। ठीक है, 10+ क्वेश्चन बहुत वैल्यू रखते हैं, 100%। ठीक है, आज रात को 12 बजे क्लास होगी इसी चैनल पे, वाईफाई स्टडी पे, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बताइए सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन में पढ़ा हुआ, नोरूस क्या है, कमेंट करिएगा, व्हाट इज नोरूस, जल्दी बताइए। ठीक है, आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट इज नोरूस। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो इरानियन और पर्शियन न्यू ईयर फेस्टिवल है ये, ठीक है, हमें पता होना चाहिए ऐसी न्यू चीजें। ठीक है, न्यू ईयर वाले दिन, ये सरफेस ऑफ विच ऑफ दिस प्लेनेट इज नॉट सॉलिड, सबसे सस्ता सवाल। देखिए हमारे अर्थ में, हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, हमारी जो पूरा सिस्टम है उसमें जो जश्न है, जो जश्न है बेटा वो हवा में बनाया जाता है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, हवा में बनाया जाता है। ठीक है, जो जश्न है वो हवा में बनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जश्न जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, दिमाग पर रखे, तो ऑब्वियसली ये जुपिटर इसमें दे रखा है तो आंसर लग जाएगा। ठीक है, जश्न याद रखो, जश्न याद रख सकते हो आप। ठीक है, दिमाग रखे, जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, और जुपिटर इसमें दे रखा है, ठीक है, एयर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कौन सी मिनिस्ट्री अनाउंस किए नर्चरिंग द नेबरहुड, इधर एक नर्चरिंग द नेबरहुड चैलेंज कोहार्ट। हाँ भाई, जहां पे हम ये वर्ड कोहार्ट देखे ना वहीं पे मिनिस्ट्री अपने आप आंसर आ जाएगा। बताइए कोहार्ट से संबंधित कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कोहार्ट से संबंधित कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए। कोहार्ट से संबंधित कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो यार, दिमाग में रखना, जब भी मैं कोहार्ड वर्ड देखता हूँ ना हाउसिंग के नाम पे कुछ होता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, आंसर इसका हाउसिंग है। ठीक है, अब कोई कहे कि सर आप एक वर्ड से कैसे मिनिस्ट्रीज बता रहे हो, बेटे कंसेप्ट है, ठीक है, कोहार्ड इज समथिंग रिलेटेड टू लिविंग्स, ठीक है, और संपदा इज समथिंग रिलेटेड टू फूड, ठीक है,
और जो न्यूट्रिशन इज समथिंग रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड, ये सब चीजें हमें ना बस हम सीखने के बाद ही इसको ऐसे कर सकते हैं कि वर्ड देख के आंसर लगा सकते हैं। हमें नहीं पता कौन सी स्कीम कौन सी है, लेकिन आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्लास में 7 बजे रेगुलर आओगे। आज तो खैर चलो बहुत सारी क्लासेस होगी, बच्चे आज इतने कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आपकी कल भी मैंने क्लास रखी है ये 7 बजे, ठीक है। मैं ना सैटरडे को बंद करूंगा ये क्लास, ना संडे को बंद करूंगा। 7 PM इज ऑलवेज अ रेगुलर क्लास, ठीक है। 7 PM इज ऑलवेज अ रेगुलर क्लास बेटा, याद रखिएगा, आपका और हमारा साथ 7 बजे हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टोल्ड बिफोर इंटरनेट ऑल द थिंग्स आर ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स अर्थ, सब कुछ अर्थ की तरफ जा रहा है, ये किसने बोला था पहले, ठीक है, न्यूटन से पहले, ठीक है, आर्यभट्ट बोले थे, तब कोई माने नहीं होंगे, ठीक है। बताइए, विच कंट्री टोक द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स लेटेस्ट, ठीक है, जल्दी से बताइए, लेटेस्ट है बेटा, क्वेश्चन करना है, लेटेस्ट है, इस वर्ष का इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है कौन जीता है, ठीक है, अपडेट है भाई, इस वर्ष का है तो पूछा जाएगा, ठीक है, पता होना चाहिए इस वर्ष का है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, चलो इस वर्ष का है तो आंसर क्या है बेटा, याद रखिएगा, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर इसका आंसर है। इकोनॉमिक फ्रीडम जो इंडेक्स है इस वर्ष का कौन जीता है, सिंगापुर जीता है। एक और क्वेश्चन देखिए, लाइव अमन से आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स ले सकते हैं, इस कोड को आप अनअकैडमी में किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, एनी डिस्काउंट एनी एंट्री, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, फॉसिल ऑफ, जैसे अभी हमने टिट्रोसस जो है उसका ढूंढा था ना, फॉसिल का बताया था, ठीक है, वैसे ये जो है ऑस्ट्रोफ्लोथिस जो लिटिल फुट है, ठीक है, ये डिस्कवर किएंगे कौन से देश में, जल्दी से देख, कौन से देश में डिस्कवर किएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक, कमेंट करिए, कौन से देश में डिस्कवर किएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, चलो दिमाग में रखिएगा आंसर क्या है, कौन से देश में डिस्कवर किए गए, साउथ अफ्रीका में डिस्कवर किए गए, साउथ अफ्रीका में डिस्कवर किए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का बेस्ट सोर्स कौन सा है, ठीक है, लिमसी, ठीक है, लिमसी आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, विटामिन सी का बेस्ट सोर्स कौन सा है, बहुत से बच्चों को पता होगा लिमसी का, नहीं पता लिमसी, व्हाट इज लिमसी, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है, विटामिन सी खट्टा, आंसर क्या, आंवला इसका आंसर है, ठीक है। एवरीथिंग इसमें खटास होती है, अगर फ्रूट की बात करें या फिर किसी और चीज की, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तो आंवला इसका आंसर है ना, आंसर इसका क्या, आंवला इसका आंसर। चलिए बताइए, ये नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, व्हेन पाकिस्तान इन्वेडेड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बताइए पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे अटैक कब किया था, ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के इतिहास में बहुत दुखद घटना मानी जाती है। जम्मू कश्मीर का इंडिया में आना इतना ट्रेजेडीफुल नहीं था जितना पाकिस्तान का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे अटैक करना था और बारामुल्ला घाटी को बिल्कुल बर्बाद कर देना, ठीक है, मेंटली बर्बाद कर देना, सोशली और इकोनॉमिकली तो होता ही है, मेंटली बर्बाद कर देना, 1946 में ऐसा हुआ था, ठीक, कभी पढ़िएगा फुर्सत से बारामुल्ला घाटी, ठीक है। बताइए, बंची टॉप ऑफ बनाना प्लांट डिसीज इज कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, ठीक है, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा। चलो जी, आंसर है बहुत ही आसान, वायरस जो है अटैक करता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नामचिंग नामक्यूम इन अरुणाचल प्रदेश आर फेमस फील्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो है किसके लिए फेमस है, बताइए नामचिंग नामक्यूम जो है किसके लिए फेमस है, ठीक, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं सारे के सारे और इवन शेयर कर रहे हैं सेशन को, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बढ़िया तरीके से, चलो आंसर है किसके लिए फेमस है बेटा, कोयले के लिए फेमस है, ठीक है, कोयले के लिए फेमस है, वो क्वेश्चन देखिएगा। देखो हम सभी जानते हैं हमारे भारत के झंडे का जो लेंथ और ब्रेथ है वो कितना है, ठीक है, वी ऑल नो आंसर, बताइए करेक्ट आंसर, जल्दी से शेयर करिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, पहले से कंप्लीट ही कर लेते हैं तो ना अच्छा लगता, मुझे अपने भारत का झंडा पूरे तरीके से बनाऊंगा, ठीक है, 2:3 इसका आंसर है, ठीक है,
2:3 इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, सत्यमेव जयते हमने कहां से लिया, इजी क्वेश्चन, ठीक है बताइए इसको। एक सीरीज भी चली थी सत्यमेव जयते, ठीक है जल्दी से बताइए सत्यमेव जयते हमने ये जो कंसेप्ट है ये कहां से लिया, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन आंसर क्या है, बताइए आंसर क्या, शेयर करो सेशन को। चलो बेटा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बहुत ही आसान, मुंडक उपनिषद से लिया है हमने, ठीक है कहां से लिया, मुंडक उपनिषद से जो ये लिया गया है सत्यमेव जयते का ये जो शब्द है और हमारे एम्बलम पे है ये, है ना ठीक है, तिमापुर के नेशनल एंथम वाज फर्स्ट सॉन्ग इन विच ऑफ द फॉलोइंग, भारत का ठीक है राष्ट्रगान पहली बार कौन से वर्ष में गाया गया था, बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक, मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इनकी पर्टिकुलर वैल्यू है, मैं एक स्पेसिफाइड क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ऐसे क्वेश्चन जो आपको पेपर में मिल सकते हैं। ये 7 बजे वाली क्लास रेगुलर होती है, कल भी होगी, सैटरडे संडे हर दिन ये क्लास होती है, 7 PM इज डैम इंपोर्टेंट क्लास, ठीक है चाहे कुछ भी करो 7 PM की क्लास जरूर करो, ठीक है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, 1911 इसका आंसर है, ठीक है 1911 में पहली बार भारत के राष्ट्रगान को गाया गया, ठीक है पहली बार भारत के राष्ट्र, इसकी अगर आप पेपर से पहले इस क्लास की हर एक क्लास के नीचे PDF डल रही है, पेपर से पहले इसकी PDF देखोगे ना हर एक क्लास की, याद रखना बहुत काम आएगी, पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या, वेयर इज द हेडक्वार्टर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हेडक्वार्टर कहां पे, ठीक है बताइए। अच्छे क्वेश्चन है, आज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के 3 क्वेश्चन आ गए, ठीक है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को मैं डेली टारगेट करता हूँ, आज हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के क्वेश्चन कर ले रहे, ठीक है लगे हाथ, ठीक है बताइए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हेडक्वार्टर कहां पे, जल्दी से बताइए, वेयर इज द हेडक्वार्टर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हेडक्वार्टर कहां पे, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर दिल्ली, ठीक है दिल्ली इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वुमेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया वास, ठीक है बताइए फर्स्ट वुमेन एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन रही थी हमारे भारत की, ठीक है महिला विदेश मंत्री इंदिरा गांधी, अब गलती से सुषमा स्वराज मत लगा देना, ठीक है खेल हो जाएगा, सुषमा स्वराज इज नोट द आंसर, फर्स्ट पूछा ना इंदिरा गांधी उनसे पहले रही है, ठीक है चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इंदिरा गांधी जी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर सीवी रमन, देखिए बहुत फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति फिजिक्स और इन सब चीजों से संबंधित, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रमन इफेक्ट के लिए, कौन से वर्ष में, अच्छा क्वेश्चन है ठीक है, रमन इफेक्ट के लिए इनके इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है बताइए। चलो बेटा आंसर क्या है, डॉक्टर सीवी रमन की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 1930 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सीवी रमन को, रमन इफेक्ट के लिए, किसके लिए, रमन इफेक्ट के लिए, ठीक है चलिए। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द नेट इंटरेस्ट रेट, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं है, ये डिफरेंस होता है जो कमाया और जो खर्चा उसका है, फालतू क्वेश्चन है, छोड़ेंगे ठीक है, काम के क्वेश्चन करेंगे। देखिए फर्स्ट चैप्टर, आज ईद है ठीक है शायद, तो कर लेते हैं सोल्व, फर्स्ट चैप्टर ऑफ मुस्लिम होली बुक कुरान अल अदियत का टाइटल क्या है, जल्दी से बताइएगा ठीक है, मुस्लिम होली बुक जो है कुरान अल अदियत का जो पहला चैप्टर है उसका टाइटल क्या है, बताइए बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन, अल फतीहा है क्या, ठीक आंसर क्या, अल फतीहा है क्या आंसर, अल फतीहा इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है देखिए पूरी दुनिया में मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन कराया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एज द मदर ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटेन, ब्रिटेन पार्लियामेंट को कहते हैं मदर ऑफ पार्लियामेंट, अभी क्वेश्चन करा रहा था मैं आपको, है ना। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जीरो आर कहां से लिया है, ठीक है क्यों रिलेट कर रहा हूं, पूरी दुनिया में किसी भी पार्लियामेंट में जीरो आर का सिस्टम नहीं है, लेकिन इंडिया में कितने घंटे का होता है जीरो आर, जल्दी से बताइए जीरो कितने घंटे का होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलो बेटा याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है 1 आर का, 1 आर का होता है जीरो आर, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन, नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है, ठीक है यहां पे होता है खेल,
यहाँ पे बच्चे करते हैं गलत आंसर, ठीक है, यहाँ पे लिटरली क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जायंट लेदर बैक टर्टल नेस्ट इन विच लोकेशन। देखो यार, जैसे मैंने आपको ना एक वो बताया था ना अभी, टर्टल का एग्जांपल, ओलिव टर्टल का एग्जांपल उड़ीसा है ना, वैसे ही सवाल टर्टल और भी है, एक ये भी कैटेगरी का टर्टल फेमस है, जायंट लेदर बैक टर्टल, बताइए कौन सी स्टेट में, कौन सी स्टेट की कोस्ट पे पाया जाता है, जल्दी से बताएगा। जायंट लेदर बैक टर्टल कौन सी स्टेट की कोस्ट पे पाया जाता है, जल्दी से बताएगा आंसर क्या। बेटा इसका पीडीएफ अश्योरिटी से मिलेगा, डोंट वरी, इसका पीडीएफ 100% मिलेगा, क्योंकि बेटा ये रेगुलर क्लास है। अरे यार, ओलिव टर्टल जो है उसका उड़ीसा है, ओलिव टर्टल का उड़ीसा है, लेकिन जायंट लेदर का, दो ही टर्टल के स्पीसीज जिनमें क्वेश्चन आता है, इसका आंसर अंडमान निकोबार है। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये कमेटी और ऑफिशियल है बेटा, याद रखना, जो भी बच्चा देख रहा है इस क्लास को, मिस मत करना, कल भी क्लास होगी ये सैटरडे, परसों भी क्लास होगी संडे, ठीक है, हम इस क्लास को मिस ना करें, ये क्लास हमारी हैबिट में रहेगी, और रात को 10 बजे वाली क्लास, ऊपर लिंक दे रखा है, नोटिफाई कर लेना सारे के सारे, ये दो क्लासेस हैबिट में रहनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके अपना जीके का मोमेंटम बना रहता ना। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कितने 20 है, अब 20 क्यों है, क्योंकि लोकसभा का पूछा है, अगर ये टोटल कहता है वी शुड हैव राइट 30 आंसर, ठीक है, लेकिन सिर्फ लोकसभा का कह रहा है तो आंसर क्या होगा, 20 इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, वेक्टर अमाउंट, वेक्टर अमाउंट कहने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, अब आसान है, ठीक है, यार देखो वेलोसिटी लिखा हुआ है, ठीक है, आप कभी भी देखना वेलोसिटी के ऊपर ना कभी भी ऐसे लिखा होता है, ठीक है, और स्पीड के साथ कभी भी ऊपर एरो नहीं लगाते, क्यों लगाते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच इज द हाईएस्ट रिवर बेसिन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, हाईएस्ट, ठीक है, बताइए बेटा, पीडीएफ 100% कमेंट बॉक्स पे आएंगे, आज भी हम एक पेपर करेंगे, देखो यार एसएससी गुरु चैनल पे आप मेरा पेपर देने जरूर आएगा, ठीक है, मैंने चाहे कितने पेपर कराए हो, मैं एसएससी गुरु चैनल पे एक अलग से बहुत उम्दा पेपर कराता हूँ, रेगुलर पेपर में से एक, 8:30 बजे एसएससी गुरु चैनल पे, आज भी होगा एसएससी गुरु चैनल पे, मस्त तरीके से जरूर देखिएगा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, गोदावरी इसका आंसर, एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, और रात को आज पढ़ लेना बस, आज अपना समय निकाल लो, हम अमूमन 2 बजे तक नहीं सोते, ठीक है, लिटरली या तो फोन पे समय बर्बाद करते हैं या तो कैसे भी बर्बाद करते हैं, तो करते तो बर्बाद ही, आज हम अपना समय इन्वेस्ट कर लेते हैं 12 से 2 बजे तक, 2 से ज्यादा नहीं करूंगा, ये जो मैं करा दूंगा ना, जो पढ़ लेगा उसके 10 क्वेश्चन पक्के हैं किसी भी एग्जाम में, 10 क्वेश्चन पक्के हैं अश्योरिटी से, क्योंकि ये 3 ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके जीके में आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। बताइए इस क्वेश्चन आंसर, इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद व्हिच कंट्री ऑन एक्सटेंडिंग द पेटेंट प्रोसेक्यूशन, ये पेटेंट राइट के ऊपर जो है, ठीक, किस कंट्री के साथ जो है मेमोरेंडम किया, जबर पेटेंट के लिए ना इंडिया जापान के साथ जुड़ना सही रहेगा, देखते हैं अभी आंसर्स का क्या है, मोस्ट प्रोबेबली जापान होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, चलो जी जापान ही है इसका आंसर, क्योंकि ना जापान के साथ ही सही रहेगा, अमेरिका तो गुस्से में रहता है इंडिया के पेटेंट के ऊपर ना, अमेरिका तो गुस्से में रहता है, और चाइना पेटेंट जैसी चीजों का विश्वास ही नहीं करता, ठीक है, तो बस जापान बचता है, ठीक है, सही मानो अमेरिका मत लगाओ भाई, अमेरिका इंडिया के पेटेंट पे, जेनरिक मेडिसिन पे बहुत ज्यादा नाराज रहता है हमेशा, तो अमेरिका तो कभी भी नहीं करेगा, और चाइना पेटेंट पे भरोसा ही नहीं करता, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड,
ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, जल्दी से बताइए। ठीक है चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बेटा रितेश, रात को 12 बजे वाईफाई स्टडी ओपन करोगे ना, है ना, वाईफाई स्टडी रात को 12 बजे ओपन करना, सिंपल, रात को 12 बजे वाईफाई स्टडी ओपन करना, इकलौता मैं ही पढ़ा रहूंगा, ठीक है, तो जरूर पढ़ लेना। ठीक है आंसर क्या है, वाईफाई स्टडी डायरेक्ट ओपन करना, मैड्रिड स्पेन इसका आंसर है, हेडक्वार्टर के यहाँ पे। ठीक है बताइए, महेश्वरा ब्रिज जो है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है कौन से शहर में, बताइए महेश्वरा ब्रिज उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, महेश्वरा ब्रिज उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में लोकेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, महेश्वरा ब्रिज उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में लोकेटेड है, जल्दी से बताइएगा, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। चलिए आंसर क्या है बेटा, गोरखपुर में, गोरखपुर का रेलवे स्टेशन इंडिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, ये भी फैक्ट है, ठीक है, सत्य तो ये भी है कि गोरखपुर का रेलवे स्टेशन इंडिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। ठीक है 10-15 मिनट तक तो ट्रेन चलती रहे, खत्म ही नहीं होता है, ठीक है, ज्यादा बोल गया मैं, लेकिन फिर 5 मिनट फिर भी है। ठीक है बताइए, विच इंडियन बैंक लॉन्च अ डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर द वुमेन कॉल्ड स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम, बताइए कौन से बैंक ने वुमेन्स के लिए स्पेशली स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम लॉन्च किया, कमेंट करेंगे कौन से बैंक, सदी सदी कौन से बैंक ने वुमेन्स के लिए स्मार्ट अप उन्नति प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है बताइए आंसर क्या है। चलो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, एचडीएफसी बैंक इसका आंसर है, ठीक है एचडीएफसी बैंक इसका आंसर है। द मेटल फाउंड इन द ब्लड इज कॉल्ड एज, बड़ा आसान है, हमारे ब्लड में कौन सा मेटल पाया जाता है, जल्दी से बताइए। ठीक है बेटे सेशन को शेयर करो, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। एसएससी गुरु चैनल पे आ जाना भाई, सारे के सारे, हर एक बच्चा एसएससी गुरु चैनल पे जरूर आए, एसएससी गुरु चैनल पे जरूर आए, गुरु सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है, रेगुलर होता है, हैबिट खराब करते हो ना अगर आप तो दिक्कत होती है, उसको बनाने में मुश्किल बनती है। ठीक है हैबिट बनाना बहुत मुश्किल है, 7 बजे आने की हैबिट है, मैं तुम्हारे चक्कर में सैटरडे संडे को भी क्लास लेता हूँ कि हैबिट खराब ना हो, तो सेम अप्लाइज टू 8:30 PM एसएससी गुरु टेस्ट। ठीक है रेगुलर आयरन इसका आंसर, एक और क्वेश्चन देखिए, ये लिंक ऊपर दे दिया मैंने, लूसन 10 PM सेशन, नोटिफाई करो सारे के सारे, क्लास एंड तभी करूंगा जब आप उस लिंक को ओपन कर लोगे ना, फिर नहीं तो वो गायब हो जाएगा, लाइव हमारे इसका आंसर होगा अगर आप एंटर कर दे। परफ्यूम और डाइस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं बताइए, व्हाट वी यूज टू मेक परफ्यूम एंड डाइस, ये परफ्यूम और डाइस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। परफ्यूम और डाइस बनाने के लिए हम ना इथाइल एसीटेट का प्रयोग करते हैं, किसका, इथाइल एसीटेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कैबिनेट ने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है देखो हम इतने बड़े क्वेश्चन में ना जाए, इंडिया देखे, मेमोरेंडम देखे और क्या फंडा है वो देखे, साउथ, ठीक है स्पोर्ट और यूथ अफेयर्स का मेमोरेंडम किसके साथ किया, बस इतना, ठीक है स्पोर्ट्स अफेयर का मेमोरेंडम किसके साथ किया, यूथ भी हटा। ठीक है बेटा जो ऊपर 10 पीएम लिखा हो ना लूसेंट, वो अन अकेडमी की क्लास है, ऊपर का लिंक जब मैं क्लास एंड करने वाला हूंगा ना, आप उस लिंक को ओपन करना और अपना अन अकेडमी ऐप, ठीक है डाउनलोड करके या व्हाटसो एवर रजिस्ट्रेशन करके लाइव अमन रेफर कोड यूज करके नोटिफाई कर लेगा। ठीक है ये तरीका रहेगा, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, चलो जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या, इस क्वेश्चन का आंसर है मालदीव्स। ठीक है मालदीव्स इसका आंसर है। ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, इन विच पार्ट ऑफ प्लांट इज द कॉफी ऑब्टेंड, प्लांट के कौन से भाग से कॉफी मिलता है, कमेंट करें कॉफी किस भाग से मिलता है प्लांट, जल्दी से बताइएगा प्लांट के कौन से भाग से कॉफी मिलती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बताइए आंसर क्या बेटा, प्लांट के कौन से भाग से कॉफी मिलती है, तो यार बड़ा आसान क्वेश्चन पूछे हो, सीड से मिलता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, इन विच मिनरल वाज रेडियम ऑब्टेंड, देखा इन विच मीडियम वाज रेडियम ऑब्टेंड, बताइए इसमें से क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, रेडियम कौन से मिनरल में से मिलता है, कौन से खनिज में से मिलता है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है क्वेश्चन।
यार इसमें से मिलता है बड़ा आसान क्वेश्चन में से एक नहीं है, ठीक है। रिटायर इसका आंसर मुश्किल है भाई, बताइए इस क्वेश्चन आंसर। देखिए इकोसिस्टम में जो एनर्जी का डायरेक्शन फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज इन विच डायरेक्शन, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन आंसर क्या है। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज इन विच डायरेक्शन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, ऑब्वियसली ये ना क्या है, यूनिडायरेक्शनल रहने वाला है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन आंसर, नौकाई फेस्टिवल जो है कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, ये जो नौकाई फेस्टिवल है ये किस स्टेट में मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ नौकाई फेस्टिवल जो है किस स्टेट में मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए आंसर बताइए अच्छे क्वेश्चन में से एक आंसर क्या है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना किस स्टेट में, तो याद रखिए मध्य प्रदेश में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कहां पे, मध्य प्रदेश में। राजमुंद्री सिचुएटेड है कौन सी नदी के किनारे, ठीक है। राजमुंद्री कौन सी नदी के किनारे सिचुएटेड, जल्दी से बताओ, ठीक है, कमेंट करो। और बेटा एक चीज याद रखना, ये क्लास अभी कल सैटरडे को भी होनी है, संडे को भी होनी है, एग्जैक्ट 7 PM, ठीक है, वाईफाई शेड्यूल। और दूसरा आप एसएससी गुरु में क्लास लेना स्टार्ट कर दो, 8:30 बजे आंसर है गोदावरी। इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन देखो, बल्क फर्मम नेशनल पार्क जो है कौन सी स्टेट में, कमेंट करिएगा, ठीक है। बल्क फर्मम जो है नेशनल पार्क है कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सी स्टेट में ये नेशनल पार्क है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बल्क फर्मम नेशनल पार्क है कौन सी स्टेट में, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, मेघालय इसका आंसर है, बताइए क्या है इस क्वेश्चन। मोस्ट सुटेबल ट्री टू प्रिवेंट द डस्ट पोल्यूशन, डस्ट, ठीक है, दिमाग करके, डस्ट डस्ट पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट सुटेबल ट्री कौन सा, जल्दी से बताइए, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का नीम, नीम से डस्ट को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, नीम से और बैक्टीरिया और सबको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसमें से कौन सा न्यूक्लियाई जो है अनस्टेबल है, कमेंट करिएगा बेटा, पीडीएफ में आपको दे दे रहा हूं, ठीक है, और मेरी जो क्लास है अभी एसएससी गुरु चैनल पे होगी 8:30 बजे, मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ के क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट कर लिए, ठीक है, कल 7 बजे दोबारा। और आप अभी हर एक बच्चा ऊपर जो 10 PM की क्लास दे रखी है ना, उसको लिंक को ओपन करो, लिंक को ओपन करने के बाद ना आप उसमें क्या करेगा, अनअकैडमी ऐप आपको रजिस्टर करने के लिए अगर कहता है तो बस अपना नंबर या फिर ईमेल आईडी से रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है, और फिर लाइव ओमन से अपना नोटिफाई कर लीजिए, नोटिफाई करने के लिए रेफर कोड मांगेगा, लाइव ओमन से नोटिफाई कर लीजिए, ये काम कर लेना सारे के सारे, ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, अनस्टेबल इसका आंसर ये, ठीक है, देखिए हमारे घरों में, ठीक है, जो फैन बल्ब कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट किया जाता है वो किस सीरीज में किया जाता है, जल्दी से, पैरेलल या फिर सीरीज, बेटा याद रखिएगा, अब इसमें तो ऑप्शन में कुछ नहीं रखा, पैरेलल दे रखा ऑप्शन में, तो डायरेक्ट ही है, सीरीज में कभी भी नहीं करते, हमेशा वी डू इन पैरेलल, ठीक है,
फॉर्मेट। चलिए बताइए, ये फाइनल क्वेश्चन है इस क्लास का, इसके बाद हम सीधा 8:30 बजे जुड़ेंगे एसएससी गुरु चैनल पे। मेजर सोर्स ऑफ मिथेन क्या है बेटा? ए मिथेन, ये नहीं है इसका आंसर, पैडी फील्ड से होता है, डी इसका आंसर है। ठीक है, डी इसका आंसर है, मिथेन का सोर्स डी है। ठीक है, तो जो भी बच्चा देख रहा है ना, मैं इसका पीडीएफ दे रहा हूं, 7 PM ना कल भी क्लास रखूंगा मैं, ये क्लास रेगुलर है 7 PM। आज बहुत सारी क्लासेस लेने हैं, तो रात को भी एक क्लास है 12 बजे, तो वो लेना भी बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। 12 बजे की क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है, रात को पढ़ लेना आज। ठीक है, आज समय निकाल के रात को पढ़ लेना। ठीक है, अभी ना आप जितने बच्चे देख रहे हैं, क्लास एंड होने से पहले ऊपर वाले लिंक को, जो 10 PM सेशन लिखा, उसको लिंक को ओपन करो, लाइव अमन रेफर कोड से नोटिफाई कर लो, फ्री क्लास है। मिलते हैं आपसे एसएससी गुरु चैनल पे रात को 8:30 बजे, आधे घंटे बाद। ये दोस्त, हर एक बच्चा अपनी हैबिट जो है ना पेपर की, वो इधर ही बनी हुई है 8:30 बजे, तो ये हैबिट मत छोड़ना। इसका मैं अभी पेपर एग्जैक्टली कराऊंगा पूरा बढ़िया, एसएससी गुरु चैनल सर्च करना 8:30 बजे आप। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, अभी आधे घंटे का पेपर है, प्रैक्टिस करो। ये पेपर है एग्जैक्टली, मॉक टेस्ट नहीं है, दिस इज अ पेपर, डेली मैं पढ़ा के ये टेस्ट जरूर लेता हूं। तो सारे के सारे जुड़ो इसमें, ऊपर जो लिंक दे रखा है उसे ओपन करके नोटिफाई कर लो सारे के सारे, और मेरा प्रोफाइल भी फॉलो कर लेना। ठीक है, मैं पीडीएफ दे रहा हूं सभी को। एक चीज और, जैसे आप पढ़ रहे हो ना मुझसे, आप कुछ बच्चे कहते हैं सर थ्योरी पढ़नी है, तो यार अगर आप पहली बार आए हो ना, यूट्यूब पे एक बार इंडियन पॉलिटिक्स सर्च करो। मैं नहीं कहता कि पूरा 6 घंटे अभी देख लो, ऐसा सर्च करोगे तो ये मैराथन, एटलीस्ट 10 मिनट देखो इसे, सो डेट कि आपको आइडिया हो कि हाँ ये वाली थ्योरी हम पढ़ सकते हैं और पॉलिटी पूरी कवर कर सकते। तो ये काम कर लेना एक बारी अभी, जो भी बच्चा पहली बार आया है, जो नया बच्चा है, जो भी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी सर्च करो। ठीक है, अरे बच्चा, चलिए अभी हम सेशन को एंड करते हैं, रात को मिलना है आज भाई, रात को 12 बजे। ठीक है, पहली बार जुड़ रहे हो या दूसरी बार या कब से जुड़े हो, रात को 12 बजे आज पढ़ लो भाई, पॉलिटी हिस्ट्री बहुत काम की क्लासेस। चलिए, तो प्लस कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं आप। कैसे ज्वाइन करना है आपको, ये प्लस कोर्सेज में मिलेगा क्या, पहले तो यार ये याद रखना, 19 तारीख और 15 तारीख दो दिन में नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 15 से 19 के बीच में फुल सिलेबस कवरेज है, 400 प्लस आर ऑफ टीचिंग आपको मिलेगी इसमें, टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस है हर चीज के लिए, हर चीज के लिए अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब पूरा बैच। ठीक है, और साथ के साथ ऑफर भी अवेलेबल है, जैसे आप एसएससी गोल में गए, आपने गेस्टफोन क्लिक किया, आपने मंथ सिलेक्ट किया, जब आप 12 मंथ का सिलेक्ट करते हो ना, 2 मंथ फ्री मिलता है इसमें, जब आप 24 मंथ सिलेक्ट करते हो तो 4 मंथ फ्री मिलता है, रेफर कोड पे आपका 10% डिस्काउंट भी होगा, कॉइन्स आपके रिडीम भी हो जाएंगे। तो ये सब करके आपको ना बहुत इजीली ये कोर्स मिल जाए, तो सारे के सारे जुड़ जाओ अभी, 1 सेकंड में लिंक को ओपन कर लो, जल्दी से लाइव अमन रेफर कोड लाकर नोटिफाई करो। मिलते हैं आपसे 8:30 बजे एसएससी गुरु चैनल। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स पे पीडीएफ डलवा रहा हूँ।